ठाकुर बोले अपनी वजह से संकट में है कांग्रेस सरकार। पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त, तमिलनाडु को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन, तमिलनाडु के थुतरकुडी में 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। पीएम मोदी आज करेंगे देश के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास, छोटे रॉकेटों से होगी लॉन्चिंग, प्राइवेट रॉकेटों को छोड़ने की भी व्यवस्था। किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, 28 फरवरी को किया ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भेजे गए निर्देश। श्री माधोपुर जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ERCP को लेकर आभार सभा में करेंगे शिरकत, रावत बोले शेखावटी में पेयजल का होगा समाधान। आज दरभंगा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनता उच्च विद्यालय के प्रांगण में जनसभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज रांची दौरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा, कई इलाकों को किया गया नो फ्लाइंग जोन घोषित। सपा को एक और बड़ा झटका, आविद रजा ने दिया पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा। लालू परिवार की करीबी राजद विधायक के घर ईडी की छापेमारी, अधिकारियों ने 16 घंटे तक की पूछताछ। विदेश मंत्री किन गैंग ने संसद से दिया इस्तीफा, NPC की स्थायी समिति ने किया स्वीकार। बंधक समझौता हुआ तो गजा में रमजान में होगा संघर्ष विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया दावा। सूरज की रोशनी मिलते ही जगह जापान का मून लैंडर, एजेंसी जाक्सा ने बताया। पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को दिया एक और झटका, भ्रष्टाचार के नए मामले में पाए गए दोषी। प्रवासन मतदाताओं का दिल जीतने में बाइडेन और ट्रंप एक ही दिन US और मेक्सिको सीमा का दौरा करेंगे दोनों प्रतिद्वंदी। नोट बदलने से संतुष्ट नहीं होगा RBI, विजय शेखर शर्मा के चेयरमैन पद छोड़ने के बाद विकसित भारत के लक्ष्यों के हिसाब से काम करे इंडिया इंक, युवाओं को बेहतर भारत देना हमारा कर्तव्य, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। शेयर होल्डर्स ने बायोजूस के फाउंडर पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कंपनी ने हमसे कई चीजों को छिपाया। BJP ने किया दावा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर, गरीबी कम होने के साथ ग्रामीण और शहरी कमाई का अंतर भी घटा। जरूरी खबर आज करीब 77 गाड़ियां रहेंगी।